सबसे पहले ये दृश्य दिखा रहा है कि किस तरीके से जो काफिला है डिंपल यादव और अखिलेश यादव का, वो नामांकन स्थल पे जो जिलाधिकारी का दफ्तर है मैनपुरी में, उसकी तरफ बढ़ता हुआ आपके स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं कि समर्थकों के बीच जो गाड़ी है जिसमें डिंपल यादव और अखिलेश यादव हैं, वो आप जिलाधिकारी दफ्तर की तरफ बढ़ती हुई ये सीधी तस्वीरें मैनपुरी से हम ला रहे हैं आपके लिए। और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे वो गाड़ी जिसमें डिंपल यादव और अखिलेश यादव हैं, वो अब इस गाड़ी में शिवपाल यादव है, शिवपाल यादव भी पहुंचे हैं नामांकन, अखिलेश भी पहुंचे हैं। यही बात कर रहे हैं अखिलेश जी नामांकन। सो अखिलेश जी का कहना है कि वो जब लौट के आएंगे तभी बात करेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे गाड़ी में शिवपाल यादव, गाड़ी में अखिलेश यादव और अखिलेश यादव अब गाड़ी से डिंपल यादव का नामांकन भरने के लिए आए हैं। यहाँ पे पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव स्वागत करते हुए अखिलेश यादव और डिंपल यादव का, आप देख सकते हैं समर्थकों के बीच दोनों ही नेता अब नामांकन स्थल की तरफ आगे बढ़ते हुए, डिंपल यादव आज अपना नामांकन यहाँ से भरेंगी। बिल्कुल ऋषभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम टाइम्स नाउ न भारत पर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कैसे यहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव पहुंच चुके हैं, शिवपाल यादव भी साथ में गाड़ी में मौजूद थे। राम गोपाल यादव से आपने बातचीत ही की, उनका कहना है कि अगर बीजेपी जीत गई तो संविधान बदल देगी, संविधान का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन मैनपुरी ये गढ़ है, अब यहां से डिंपल यादव नामांकन दाखिल करने वाली है। जयवीर सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला। ऋषभ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम।